ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेके है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाएगी। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है, वो अभी चल रहा है। अब बात करें कट ऑफ को लेके कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी कि आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, उसको लेके मैं आपको ऑफिशियल और बिल्कुल रियल कट ऑफ दिखाने वाला हूँ जो कि ग्रुप डी के तरफ से जारी हुई है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो मैं आपको वो ऑफिशियल कट ऑफ पहले चलता हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से है। बात करें जो रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जब एग्ज़ाम का नोटिस आया था तो उस पर आप सभी को पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे मिनिमम। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें एससी कैटेगरी के लिए 30% मतलब 30 मार्क्स के रहने वाले हैं, एसटी के लिए 30 मार्क्स, और बात करें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए भी 30 मार्क्स रहने वाले हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 40 मार्क्स रहने वाले हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 40 मार्क्स आपके कट ऑफ के रहने वाले हैं। अब बात करें कि आपके जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो कितने जाने के चांसेस हैं, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि 100 में से अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। बट आपका जो सिलेक्शन में है कितने से कितने जाने के चांसेस है स्टेट वाइज में कि आपका नाम आ जाए, तो जनरल के लिए सबसे पहले बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आपके 50 से 55 के बीच में नंबर आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई मान लीजिए, 100% क्वालिफाई हो। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी ज़्यादा जनरल के आसपास रहने वाला है, 50 अगर आपके मार्क्स आ जाए तो आप क्वालिफाई समझ लीजिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें, ओबीसी कैंडिडेट का आपका 45 से 50 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, अगर आपके 45 या 50 मार्क्स के बीच में आ जाए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं बात करें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कितने रहने वाले हैं, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40 से 45 के बीच में मार्क्स रहने वाले हैं, अगर 40 से 45 के बीच में आपके मार्क्स आए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। अगर ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना।